नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद की पुलिस के हाथ लगी है बड़ी कामयाबी। आपको बता दें कि देवरिया पुलिस बोर्ड परीक्षा के फर्जी प्रवेश पत्र एवं हाई स्कूल इंटरमीडिएट के फर्जी अंक पत्र बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसओजी टीम द्वारा एवं थाना तरकुलवा पुलिस को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि तरकुलवा कस्बे में स्थित पीएन डिजिटल फोटो स्टूडियो में कुछ लोगों द्वारा बोर्ड की परीक्षा में दूसरे का फर्जी प्रवेश पत्र तथा हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के फर्जी अंक पत्र बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिस पर पुलिस टीम द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एसडीएम सदर को लेकर मौके पर पहुंचते हुए उपयुक्त फोटो स्टूडियो की घेराबंदी कर मौके से चार अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी बनाने वाले उपकरणों को भी जिला प्रशासन ने अपने अंडर में सामग्री को सील करने का काम किया। इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने जेल भेजने का काम किया है, जहां पर देवरिया जिला अधिकारी अमित किशोर और पुलिस अध्यक्ष डॉक्टर श्रीपत मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाते हुए फर्जी वाड़ा करने वाले लोगों को जेल भेजने का काम किया है और यह भी बताया कि ऐसे अपराध को जिला प्रशासन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, ना ही छोड़ेगा। परिषद की परीक्षाएं प्रारंभ हुई हैं और इस परीक्षा से पूरी देवरिया पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके द्वारा मुन्ना भाइयों को परीक्षा में प्रवेश होने से रोकने में सफलता प्राप्त हुई है। सूचना प्राप्त हुई एसओजी टीम को कि कुछ लोग फर्जी प्रवेश पत्र बना रहे हैं और जब पुलिस ने मजिस्ट्रेट लेकर के डीआरएस को लेकर के वहां छापा मारा तो वहां से फर्जी प्रवेश पत्र, आधार कार्ड जिसके आधार पर उनको प्रवेश दिया जाएगा और इसके अलावा बहुत सारे स्कूलों के हाई स्कूल इंटर के प्रवेश पत्र, साथ साथ हाई स्कूल इंटर की ब्लैंक मार्कशीट्स, झारखंड ओपन स्कूलिंग की ब्लैंक मार्कशीट्स, पूर्वांचल बैंक के पासबुक ब्लैंक्स और बहुत सारे कागजात वहाँ से बरामद हुए हैं। इसमें स्थानीय राधा कृष्ण इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज का एक बाबू है जो इस गैंग का सरगना है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष तीन और लोग गिरफ्तार हुए हैं। कुल चार लोगों का ये जो गैंग था, पूरा गैंग बस्ट आउट किया है पुलिस ने और उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनके पास ये सारी चीज़ें जो बरामद हुई हैं, इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि मुन्ना भाई किसी भी तरीके से परीक्षा में प्रवेश नहीं पाएंगे और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएँ बिल्कुल जो पारदर्शी तरीके से तथा शुचितापूर्ण तरीके से इस जनपद में संपन्न हो। लगभग सर कितने स्कूलों, सर कौन सा स्कूल था, उस पर क्या कार्रवाई होगी? अब ये आज से हमारी जो परिषद की परीक्षा की शुरुआत है, कल ही जानकारी मिली थी फर्जी प्रवेश पत्र से संदिग्ध हुआ, उसमें राधा कृष्ण बालिका इंटर कॉलेज के एक लिपिक जो है वो भी इसमें सम्मिलित है और उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी किया गया, चार लोग गिरफ्तार हुए और ये एक बड़ी कार्रवाई है देवरिया पुलिस के द्वारा, जो शासन की मंशा है कि नकल युक्त परीक्षा में कराना, बहरहाल हम लोग कराने में सफल हों और ये इस तरह की शिकायत थी और इसको हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है और इसमें जो भी लोग हैं सम्मिलित हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और भी निरुद्धात्मक कार्रवाई, जैसे गैंगस्टर ये सब पे भी हम लोग विचार कर रहे हैं, क्योंकि पूरा गैंग है। तमाम ऐसी गतिविधियां थी, चाहे फर्जी बैंक पासबुक, फर्जी मार्कशीट, तो एक बहुत गहनता से इसकी जांच करके और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। स्कूल पे सर क्या कर, स्कूल में आज परीक्षा के लिए अलग से हम लोगों ने मजिस्ट्रेट वहाँ लगा दिया था और अभी सेकेंड पाली में मैं और एसपी साहब भी जाएंगे वहाँ देखेंगे और हमारे एसडीएम और सारे अधिकारी वहाँ परीक्षा बहुत सकुशल संपन्न हुआ है और इसमें और जांच करने के बाद जो स्कूल के लोग दोषी हुए, चाहे प्रबंधक हों, प्रिंसिपल, उनको भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई। यह था देवरिया से अजरेश कुमार की रिपोर्ट। और इसी तरह के खबर देखने के लिए इस बी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए। मिलते हैं फिर एक नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।